जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वर्तमान में संशोधित कानून बाल श्रम एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 6 से 18 वर्ष के बच्चों को कठोरतम कार्य कराने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा बताया गया कि बच्चों से खतरनाक कार्य कराना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 50,000 का जुर्माना और अधिक से अधिक 3 साल की सजा हो सकती है। इसके अलावा नए सवेरा योजना के अंतर्गत जिला तकनीक रिसोर्स पर्सन सितारा सिद्दीकी ने पेंसिल पोर्टल नया सवेरा योजना व बाल श्रमिक विद्यालय योजना के बारे में बताते हुए कहा कि नया सवेरा का उद्देश्य जनगणना के आंकड़ों के अनुसार चिन्हित 25 से अधिक कामकाजी बच्चे वाले हॉटस्पॉट ग्रामों का बाल श्रम मुक्त घोषित करना और कामकाजी बच्चों का शैक्षिक व बौद्धिक विकास करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना है। नो चाइल्ड लेबर कैंपेन के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बाल श्रम उन्मूलन में सभी का सहयोग हो, जिससे जिला गोरखपुर को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सके और उन्हें लाभ मिले। और आगे की जो कार्रवाई है सर, कि अभी हमारे जो ये अपवादों का बाल श्रम मुक्त करने का चिन्हीकरण किया जाएगा कि हम इस बार 10 गाँव को बाल श्रम मुक्त कराएंगे, जिसके तहत कल हम लोगों का BCPC मीटिंग था ब्रह्मपुर ब्लॉक में। हमारे ग्राम प्रधान या ग्राम तो चुना गया है, उनके सहयोग से बाल श्रम मुक्त कराया जाएगा और इसके लिए सभी लोग बहुत ही संवेदनशील हैं और ये भी देख रहे हैं कि कोई भी बच्चा हमारे गांव में बाल श्रमिक ना हो, और जैसे ही पता चलेगा वो इन्फॉर्म भी करेंगे और हम सबके सहयोग से जितने हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, जिनके अंदर में योजनाएं हैं, जैसे यहाँ हमारे समाज कल्याण विभाग से बैठे हैं सर, इनके अंदर में एक राजकीय आश्रम पद्धति नाम का स्कूल भी चल रहा है, जहाँ जो हॉस्टल CBSE बोर्ड के तहत उनको पढ़ाई लिखाई होती है। चस्पा करवा दिया जाए कि हमारा दुकान बाल श्रम मुक्त है, हमारे यहाँ कोई भी 6 से 18 साल तक के बच्चे कार्य नहीं करते हैं, तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी हो जाएगा इन लोगों के माध्यम से। और सर अभी 265 वॉलंटियर चुने हैं जो हमारे NCC कैडेट से हैं और NSS के हैं, NYT के हैं। इन लोगों ने अभी COVID-19 के दौरान जो माइग्रेट फैमिली आई है गोरखपुर में, इन लोगों ने काफी उस समय बहुत इन लोगों ने हेल्प किया है उन परिवारों का, और आगे भी जा रहे हैं सर इनके साथ मिलकर और पहले जैसे आप लोग करोगे तो मेडिकल हो जाएगा मैक्सिमम, जैसे आज शाम को हुआ तो कल सुबह कर लो, एक वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड बना रहेगा, यही मेन चीज। और जो आपने स्कीम्स ये नया सवेरा है, पेंसिल है, नया सवेरा में भेजिए और बच्चों का नाम और BSE साहब को जो आपने नाम दिए थे वो गए उसका क्या, वो फॉलोअप कर लीजिए। 14 ये जो गांव है इसको बनाइए, वीडियो से मीटिंग कर ली, मुझे बताया था वीडियो में, वो अच्छा है, फोटो भी देखी थी मैंने, तो ये दोनों वीडियोज़ का शाम को हमारी मीटिंग है उसमें भी बोल देंगे, तो अगर कोई जुड़ना चाहे उसमें जुड़ सकता है, हमारी रोज मीटिंग होती वीडियो से। सब लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बंद भाई जो है।